ऐसे हैं दोस्तों आप सब, और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन का प्योर एस वेरिएंट, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है टाटा नेक्सॉन का। और प्योर एस वेरिएंट जो है, अगर प्योर वेरिएंट से कंपेयर करते तो यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर सनरूफ मिल जाती है और सेफ्टी फीचर ज्यादा मिलते हैं। बाकी ऐसा वेरियंट है कि टॉप वेरियंट की भी आप लोगों को फील जरूर देगा अगर आप लोग गाड़ी परचेस करते हैं तो। पेट्रोल डीजल वर्जन के साथ अवेलेबल है। बाकी ये जो आप लोग गाड़ी देख रहे हैं, आप लोग कंप्लीट लुक देख सकते हैं, व्हाइट कलर में बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है, कंप्लीट न्यू फेस कर दिया यहाँ पर। और जो नीचे के वेरिएंट है वही काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स रहते हैं उन बायर्स के लिए जो कम फीचर के साथ एक गाड़ी का प्रॉपर फील लेना चाहते हैं, जिनको ड्राइविंग का एक प्रॉपर शौक रहता है। बाकी आप लोग गाड़ी का यहाँ पर कंप्लीट लुक देख सकते हैं। एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात करूँ तो 9,70,000 रुपए की आप लोगों को एक्स शोरूम प्राइसिंग है। बाकी उसके अंदर 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ेगी ऑन रोड अगर मान के चले तो। पेट्रोल वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी हर सिटी का प्राइस यहाँ पर ऑन रोड ऊपर नीचे हो सकता है, यही रीजन है कि आप लोगों को मैं एक्स शोरूम प्राइसिंग बता रहा हूँ। चाबी की बात करें तो ऐसी कुछ चाबी मिलती है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर मिल जाता है, और ये नीचे वाला वेरिएंट है उसके बाद भी आप लोगों को यहाँ पर फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर मिल जाता है गाड़ी के अंदर। इसकी LED DRLs मिल जाती हैं जो कि टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर गाड़ी अनलॉक या लॉक करूँ मैं तो इसकी यहाँ पर टर्न इंडिकेटर LED में दिए गए हैं। ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिलता है यहाँ पर, टाटा का लोगो पैनो ब्लैक फिनिश के साथ। नीचे की तरफ बिग साइज रेडिएटर ग्रिल, बेहतर एयर इनटेक के लिए। हेडलैम्प नीचे की तरफ ही देखने को मिलती है LED जो कि। बाकी एरोडायनेमिक के लिए यहाँ पर बम्पर में आप लोगों को मिल जाता है फ्रंट वेंट, एंड ये गाड़ी का कम्प्लीट लुक है यहाँ पर। एंड ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी का कम्प्लीट साइड से लुक। साइड से अगर गाड़ी का लुक देखें तो ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा आप लोगों को, जो सेम ही इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज जो रहने वाली। फ्रंट रियर से गाड़ी में बेसिकली रीडिज़ाइन किया गया है गाड़ी को, टाटा नेक्सॉन का एक तरीके से फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं ये। बाकी इसका प्रॉपर EV का वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा मेरे चैनल में। एंड यहाँ पर व्हील्स की बात करें तो 16 इंच के यहाँ पर व्हील्स मिलते हैं, स्टील रिम है ये विथ व्हील कैप। आगे डिस्टेंट, पीछे ड्रम ब्रेक आप लोगों को यहाँ पर गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं। व्हील कैप का डिजाइन काफी अच्छा रखा गया है, बॉडी क्लैडिंग मिलती है एंड इस तरीके के कुछ दिखेंगे पीछे की व्हील्स। पीछे ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं गाड़ी के अंदर, बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है एंड ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी का कंप्लीट रियर से लुक। प्योर एस वेरिएंट आप ये देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं मैं, टाटा नेक्सॉन का काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इसके पूरे लाइनअप में, क्योंकि इसमें सनरूफ मिल जाता है। तो उन कस्टमर्स को जो टॉप वेरिएंट की तरफ नहीं जाना चाहते, जो सिर्फ सनरूफ के लिए टॉप वेरिएंट लेते हैं, जिनको बाकी और कोई फीचर से लेना देना नहीं, तो वो इसकी तरफ जा सकते हैं। सेफ्टी का भी टाटा ने पूरा ध्यान रखा है इस वेरिएंट के अंदर। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल। बाकी 5-स्टार रेटेड गाड़ी तो है टाटा नेक्सॉन, और बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त मिलती है गाड़ी के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी ये इसका कंप्लीट लुक है यहाँ पर। ऊपर की तरफ रूफ रेल से शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी LED टेल लैम्प दी गई है कंटिन्यू डिजाइन में। टाटा की बैजिंग यहाँ पर, नेक्सॉन की बैजिंग। नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट टेल पाइप। एंड यहाँ पर जो रिवर्स लाइट है वो आप लोगों को एक ही तरफ देखने को मिलती है लेफ्ट साइड में, हालांकि बंपर में आप लोगों को यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। एंड गाड़ी का अगर बूट ओपन करना हो यहाँ से तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। ब्लैक फिनिश में ही डोर हैंडल मिलते हैं, तो आप लोगों को अगर गाड़ी का बूट ओपन करना तो आप लोगों को ये बटन दबाना पड़ेगा अंदर की तरफ। और बूट स्पेस भी जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया, पहले 350 लीटर का मिलता था, अब बेहतर स्पेस मैनेजमेंट करा टाटा ने गाड़ी के अंदर। एंड यहाँ पर आप लोगों को मिलता है 382 लीटर का बूट स्पेस। सीट जो है सेकेंड रो की अप है, उसके बाद भी अगर फोल्ड कर देंगे तो और भी ज्यादा बूट स्पेस मिल जाएगा, लगभग 800 लीटर के आसपास। ये मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन इतना बूट स्पेस आप लोगों को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर स्पेयर व्हील आप लोग देख सकते हैं, स्टील रिम ही दिया गया है विथ टूल किट। बाकी आप लोगों को पंचर किट मिल जाती है इसके साथ, एंड इन्फ्लेटर भी मिलता है। एंड यहाँ पर हुक्स मिल जाते हैं 3-3 kg के। अच्छी बात टाटा ने ये करी है कि यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है आप लोगों को बूट में। NDS का कंप्लीट लुक है, दोनों ही तरफ आप लोगों को यहाँ पर हुक्स मिल जाते हैं, और ये काफी अच्छा मजबूत भी लग रहा है देख के 3-3 kg के। बाकी अंदर की जो क्वालिटी वो भी काफी अच्छी यहाँ पर रखी है टाटा ने। एंड इसकी नंबर प्लेट लाइट, पीछे भी सेंसर्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर कंप्लीट। ब्लैक फिनिश में ही मिलते हैं डोर हैंडल। एंड ये सेलिब्रेटिंग 50 लाख कार्स जो टाटा की सेल हो चुकी है, उसमें आप लोगों को नई गाड़ियों में इसकी बैजिंग आती है, चाहे आप अल्ट्रोज लें या टियागो टिगोर। बाकी ऐसा कुछ दिखता है प्योर एस वेरिएंट का पीछे का डोर का लुक। यहाँ पर भी ड्यूल टोन फिनिश मिल जाती है, टेक्सचर काफी अच्छा लगता है देखने में, हालांकि कलर व्हाइट टाइप का है तो ये जल्दी डस्ट पकड़ेगा। ये
नीचे की तरफ ब्लैक पोर्शन दिया गया जो कि काफी अच्छी चीज है। एंड ये पियानो ब्लैक इंसर्ट्स, डोर हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश में, पावर विंडो की कंट्रोल, एंड ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की रियर की सीट्स, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट विद 3-पॉइंट सीट बेल्ट। चलिए मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ एंड डोर को क्लोज कर लेता हूँ। आप लोग डोर का साउंड सुनिएगा, प्रॉपर एक हैवी थर्ड के साथ आप लोगों को एक स्टर्डी फील कराता है दरवाजा, काफी वजन है उसमें। एंड लेगरूम आप लोग देख सकते हैं, सीट पूरी पीछे, उसके बाद भी इतना लेगरूम बच रहा है यहाँ पर। बाकी सीट की कुशनिंग काफी जबरदस्त है यहाँ पर, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं प्योर एस वैन के अंदर कुछ इस तरीके की फैब्रिक अपॉल्सी में ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन दिया गया है। एंड ये आइसोफिक्स माउंट्स, 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं यहाँ पर गाड़ी के अंदर बेहतर सेफ्टी के लिए। दो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं इस वेरियंट के अंदर, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, साथ ही साथ 6 एयरबैग्स मिलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी एयरबैग्स है, एयरबैग्स की बैजिंग, एंड यहाँ पर भी। बाकी ये है दोस्तों फ्रंट डैशबोर्ड का लुक पीछे की सीट से, टाटा नेक्सोन का प्योर एस वेरियंट का। बाकी रियर की तरफ यहाँ पर मिल जाते हैं इसके AC वेंट्स, एंड यहाँ पर आप लोगों को कुछ देखने को नहीं मिलता। हालांकि हम्प की बात करूं तो हम्प उतना नहीं है, जो बीच वाला पैसेंजर बैठेगा वो भी काफी कंफर्टेबल होके यहाँ पर बैठ सकता है, बाकी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। विंडो जो ग्लास एरिया रखा गया है गाड़ी का वो काफी अच्छा है, तो गाड़ी में अंदर बैठने के बाद क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा और काफी खुला खुला महसूस होगा। सीट बेल्ट की हाइट यहाँ पर एडजस्ट कर सकता है ड्राइवर, बाकी यहाँ पर भी हुक्स मिल जाते हैं। ओवरऑल काफी प्रैक्टिकल कॉम्पैक्ट SUV है टाटा नेक्सोन, और यही रीजन है कि काफी अच्छे नंबर्स में सेल होती है। जिस कस्टमर को EV लेना है वो EV वर्जन के साथ जा सकता है नेक्सोन के, बाकी डीजल एंड पेट्रोल के साथ तो सेल अच्छी काफी होती है इसकी। चलिए गाड़ी के ड्राइवर साइड गेट का आप लोगों को मैं लुक दिखा देता हूँ डोर ओपन करके। तो आइए दोस्तों गाड़ी के ड्राइवर साइड गेट का लुक ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को भी ड्यूल टोन फिनिश मिल जाती है ड्राइवर साइड डोर में भी, ऑल 4 पावर विंडो की कंट्रोल, यहाँ से विंडो अनलॉक लॉक करने का बटन, पैनो फ्लैश में डोर हैंडल, ये आप लोग देख सकते हैं पैनो इंसर्ट्स, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, बेहतर सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं डोर्स में। एंड यहाँ पर टायर प्रेशर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की फ्रंट की सीट्स, काफी कंफर्टेबल सीट्स है। ड्राइवर साइड सीट की आप लोग हाइट को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। सीट्स का थाई सपोर्ट आप लोग देख सकते हैं थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है बेहतर कंफर्ट के लिए। बाकी नीचे के पेडल्स का लुक है, काफी अच्छी स्पेसिंग मिलती है उनके बीच में भी, तो जल्दी थकान नहीं होगी गाड़ी में बैठने के बाद। और ये गाड़ी का अंदर से लुक है कम्प्लीट डैशबोर्ड का। यहाँ पर ऐसी कुछ चाबी देखने को मिल जाती है, आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था चाबी। और यहाँ पर की को इंसर्ट कर लेता हूँ मैं गाड़ी की, एलुमिनेटेड की रिंग एरिया मिलता है गाड़ी के अंदर। एंड ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों इसका डिजिटल लोगो टाटा का, जो कि गाड़ी का इग्निशन ऑन करने के बाद ही आ जाता है। बाकी प्योर एस वेन्यू में आप लोगों को यहाँ पर कुछ तरीके का मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीट डिजिटल, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर RPM शो कर देगा, डिजिटल स्पीड बताएगा, आउटसाइड टेम्परेचर, डेट टाइम, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, और कई सारी वार्निंग लाइट, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप ट्रिप भी आप लोग सेट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देगा। बाकी ऐसा स्टेयरिंग व्हील दिखता है आप लोगों को गाड़ी के अंदर, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, ब्लूटूथ एंड फोन के कंट्रोल, एंड यहाँ से भी आप लोग सेट कर सकते हैं अपने ट्रिप ट्रिप भी वगैरह, डिस्टेंस टू एम्प्टी देख सकते हैं, बेसिकली MID को कंट्रोल कर पाएंगे यहाँ से आप लोग, जिसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको, उसकी डिस्प्ले को। राइट साइड में आप लोगों को इसके हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पर, हेडलैम्प की हाई बीम लो बीम यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, हेडलैम्प का लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये गाड़ी के वाइपर ऑटोमेटिक वाइपर मिल जाते हैं, मतलब कि रेन सेंसिंग वाइपर्स। स्टेयरिंग व्हील के यहाँ पर फंक्शन की अगर बात करूँ मैं, तो आप लोगों को यहाँ पर टिल्ट फंक्शन के साथ मिलता है इस वेरियंट के अंदर स्टेयरिंग व्हील, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। बाकी ये कंप्लीट लुक है अंदर से डैशबोर्ड का बैठने के बाद, बोनट प्रॉपर दिखाई देता है आप लोगों को गाड़ी में। एंड ये कंप्लीट लुक है डैशबोर्ड का। यहाँ पर बात करूँ प्योर एस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर कुछ तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आप लोगों को गाड़ी के अंदर। पीछे की तरफ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, कैमरा नहीं मिलेगा इस वेरियंट के अंदर। बाकी टच का रिस्पॉन्स इसका काफी अच्छा है, साउंड सिस्टम की क्वालिटी काफी अच्छी है, सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्राइटनेस को आप लोग इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। नीचे की तरफ USB एंड आप लोगों को ऑक्स के पोर्ट मिल जाते हैं, साथ ही साथ FM रेडियो को भी सपोर्ट करता है ये। ऑक्स का पोर्ट इसके अंदर नहीं मिलता, केवल USB पोर्ट मिल जाता है। बाकी टच का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है इसका, आप लोग यहीं से कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी तरह का मैनुअल बटन नहीं दिया गया इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए। AC की कूलिंग गाड़ी की काफी जबरदस्त है,
टॉप वेरियंट में यहाँ पर आप लोगों को सॉफ्टेस्ट लेदर देखने को मिलता है, और ये नीचे वाला वेरियंट तो यहाँ पर एक व्हाइट टेक्सचर का फिनिश दिया गया है जो कि देखने में ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बाकी नीचे की तरह आप लोगों को इसके मैनुअल एसी की यूनिट मिल जाती है, लेकिन डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, लेकिन ये मैनुअल एसी दिया गया तो इस चीज में टाटा को थम्स अप, काफी अच्छी डिजाइन रखी है, कोई भी देख के बता नहीं सकता। मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया था कि ऑटोमेटिक एसी है लेकिन ये मैनुअल एसी है, डिजाइन काफी अच्छी तरीके से किया गया है इसको। यहीं से आप लोग जो है बूट ओपन कर सकते हैं, इसकी मैं बात कर रहा था, बाकी एसी को वहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। नीचे की तरफ थोड़ी स्पेस, 12 का चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, और ये इसका 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। यहाँ पर पीछे की तरफ रिवर्स लगेगा यहाँ पर इस नॉब को उठा के, एंड सिटी इको एंड स्पोर्ट ड्राइव मोड मिल जाते हैं। आप लोग अपने मूड के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ी स्पेस मिलती है यहाँ पर, दो कप होल्डर और ये हैंड ब्रेक, एंड सीट की आप लोग कंप्लीट देख सकते हैं। अपहोल्स्ट्री जो है काफी कंफर्टेबल यहाँ पर देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर मिल जाता है इसका सनरूफ, जो कि केवल प्योर एस वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। अगर आप नीचे वाले वेरिएंट्स में लेना चाहें सनरूफ के साथ गाड़ी, तो काफी अच्छा यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, एक प्रॉपर लाइट आ जाती है केबिन के अंदर, और एरी फीलिंग आती है सनरूफ रहने से गाड़ी के अंदर। बाकी इसको मैन्युअली क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर पैसेंजर सीट सनशेड में वैनिटी मिरर, सेम चीज ड्राइवर सीट सनशेड में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर टिकट होल्डर मिल जाएगा। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करें तो एज यूजुअल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टाटा की गाड़ी में जो ग्लव बॉक्स है वो काफी यहाँ पर बड़ा देखने को मिलता है। पेन होल्डर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, काफी बड़ा यहाँ पर ग्लव बॉक्स है। और टॉप वेरिएंट्स के अंदर यहाँ पर लाइट भी आएगी। अम्ब्रेला होल्डर आप लोगों को फ्रंट के दोनों ही डोर्स में देखने को मिलता है बॉटल होल्डर के साथ, और फ्रंट के डोर में भी दो दो बड़ी बॉटलें आराम से आ जाएंगी यहाँ पर। बाकी जो रियर व्यू मिरर दिया गया इसको डे और नाइट के हिसाब से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट में रीडिंग लाइट मिलती है, सनग्लास होल्डर नहीं मिलता इसके अंदर इस वेरिएंट में। बाकी डिजिटल आप लोग यहां पर देख सकते हैं टाटा का लोगो कुछ तरीके से आता है इग्निशन ऑन करने के बाद, काफी बेहतरीन लगता है। आउटसाइड ओआरएम्स की जो मिरर है उनको आप लोग यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी अनफोल्ड या फोन मैनुअली ही करना पड़ेगा। एंड मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करना है तो आप लोगों को रजत श्रीवास्तव 1310 मेरी आईडी मिल जाएगी, वहां पर मैं गाड़ी का जो साउंड सिस्टम की क्वालिटी आप लोगों को यहां पर सुनाऊंगा। बाकी यहाँ पर एल्यूमिनेटेड कीरिंग एरिया मिलता है। एंड चलिए अब गाड़ी का यहाँ पर देख लेते हैं इंजन बोनट ओपन करके। तो चलिए दोस्तों अब मैं गाड़ी का बोनट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों ये है टाटा की तरफ से आने वाला 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर रिवोटोन पेट्रोल इंजन, 118 bhp के अराउंड आप लोगों को पावर निकाल के देगा, 170 Nm का टॉर्क, 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है ये। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर 1500 cc का डीजल इंजन का भी ऑप्शन आता है इसके अंदर, एंड साथ ही साथ ईवी वर्जन में भी आती है। एंड ये इंजन जो है पहले से और भी ज़्यादा काफ़ी रिफाइंड हो गया है। एंड ये कंप्लीट लुक है इसके इंजन बे का, नीचे प्रोटेक्शन मिल जाती है इंजन बे के बेहतर सेफ्टी के लिए। एंड ये बैटरी गाड़ी की, एंड यहाँ से आप लोग डाल सकते हैं वाइपर एंड वॉशर फ्लूइड, ये आप लोग देख सकते हैं कम्प्लीट लुक इसका भी। ऊपर बोनेट में पैडिंग मिलती है इससे केबिन में साउंड कम जाए। तो चलिए दोस्तों मैं गाड़ी का बोनेट यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा टाटा नेक्सॉन के प्योर एस वेरिएंट का ये वीडियो मुझे कमेंट से बताइए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।